नमस्कार मैं वीरमदेव असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ तो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय कालखंड है भक्ति काल उसको दो भागों में बांटा गया था निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा का हम अध्ययन कर चुके हैं और शगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। तो राम भक्ति काव्यधारा की भूमिका में लिखेंगे कि जो भी राम भक्त कवि हैं उन्होंने भगवान राम को अपना आदर्श मानकर इनके स्वरूप को आधार बनाकर उन्होंने काव्य रचनाएं की तुलसीदास ने प्रमुख इसके कवि हैं उन्होंने लोक मंगल लोक कल्याण का विधान करने वाले काव्य की रचना की जिसकी काव्य प्रवृत्ति प्रकार हैं पहला है राम का स्वरूप राम भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव राम को विष्णु का अवतार और ब्रह्म स्वरूप माना है वे राम जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ अश्न अधम अभिमानी कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है राम नर शरीर रूप धारण करके दुष्टों का विनाश कर देते हैं तब तब मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं और पाप का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं राम भक्त कवियों के राम शील शक्ति और सौंदर्य के भंडार हैं लोक में मर्यादा की प्रतिष्ठा करने वाले आदर्श पुरुष हैं दूसरी काव्य प्रवृत्ति भक्ति का स्वरूप राम धारा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भाव प्रदर्शित की हैं कोट ने सेवक सेव्य भाव विनुभ ने तरीय उर्गारी तुलसी ने आराध्य के प्रति श्रद्धा प्रेम का योग माना है तथा अपने आप को छोटा और राम को बड़ा माना है कोटेशन लिखना है राम सो बड़ो है कौन मौसो कौन छोटो राम सो खरो है कौन मौसो कौन खोटो अगली काव्य प्रवृत्ति है समन्वयवादी प्रवृत्ति समन्वय का मतलब है कि इस काव्यधारा के कवि सबको साथ लेकर चले राम भक्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा हैं जिसका उद्देश्य लोक रक्षा और लोक मंगल का लोक यज्ञ रचना है यह व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चला राम के साथ साथ गणेश शिव कृष्ण की भी उन्होंने उपासना की शगुण निर्गुण ज्ञान दर्शन राजा प्रजा शिव वैष्णव आदि में समन्वय स्थापित किया कोटेशन है शिव द्रोही ममदास कहावा ते नर मोहि सपने नहीं भावा अगले काव्य प्रवृत्ति है लोक कल्याण की भावना राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना नहीं था उनका उद्देश्य तो जन कल्याणकारी था मंगल भवन मंगलहारी था जिसमें लोक जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा सहिष्णुता भाईचारे की शिक्षा प्रदान की गई है अगले काव्य प्रवृत्ति हैं आदर्शवादी भावना राम काव्य में आदर्शों की कुल स्थापना है राम को आदर्श भाई आदर्श पति आदर्श पुत्र और आदर्श मित्र आदर्श स्वामी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है वहीं सीता को भी एक आदर्श पत्नी के रूप में हनुमान जी को आदर्श सेवक के रूप में व्यक्त किया गया है नारी विषय दृष्टिकोण राम काव्यधरा में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है प्राय तुलसी ने नारी को निंदक के रूप में निरूपित किया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जे सब जैसाड़न के अधिकारी परंतु तुलसी ने सीता पार्वती अनुसुया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र की भी परिकल्पना करते हुए नारी को सतीपतिव्रता त्यागमयी ममता की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया है धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रबंध काव्य की प्रधानता राम भक्त कवियों ने राम कथा को लेकर प्राय प्रबंध काव्यों की रचना की है तुलसी ने रामचरित मानस लिखा प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा लालचंद ने विलास और हृदय राम ने हनुमान नाटक आदि प्रबंध काव्य लिखे रचना कौशल प्रबंधपटुता सहृदयता आदि गुणों का समाहार इन काव्य की प्रधानता रही है काव्य शैली एवं भाषा राम काव्य धारा में दोहा चौपाई शैली कवित्व समय्या शैली बरवे शैली संवाद शैली का प्रयोग किया गया है भाषा के रूप में ब्रज, एवं अवधि पर पदावली के रूप में प्रयुक्त हुई है रस छंद एवं अलंकार योजना रस योजना में श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों के साथ वीर एवं रुद्र रस का भी सुंदर परिपाक हुआ है। छंद विधान के रूप में दोहा चौपाई छोरठा सवैया आदि हैं उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों की शोभा बहुत ही सुंदर हैं निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि या कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य धारा की तुलना में राम भक्ति काव्य धारा परिणाम की दृष्टि से हैं।, हैं लेकिन उसमें गरिमा उद्धारिता और भक्ति का साहित्य समृद्ध मिलता है और कृष्ण के अपेक्षा इन्होंने राम का वर्णन किया राम के स्वरूप को इन्होंने प्रमुखता दी और नीचे कुछ प्रमुख राम भक्त काव्य लिखे गए हैं ईश्वरदास का है भरत मिलाप अंगद पीज अग्रदास का है अष्टयाम राम भजन मंजरी नाबादास का है भक्तमाल सेनापति का है कवित रत्नाकर प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक हृदय राम का है हनुमन नाटक लालदास का है अवद विलास, केशव की है रामचंद्रिका और तुलसीदास ने लिखा था रामचरित मानस धन्यवाद